हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री। और इस ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण बताए थे, सामान्य गुण मैंने आप लोगों को बताए थे, और इन गुणों को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग उसको सुने, उसके बाद आगे की विषय वस्तु की शुरुआत अपन यहां पर करेंगे। देखो, मैंने आपको ठोस अवस्था के सामान्य गुणधर्मों के अंदर बताया था कि इस ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, इसमें अवयवी कणों के मध्य जो अंतरणविक दूरी होती है वो सबसे कम होती है। अंतरणविक दूरी सबसे कम होने के कारण अंतरणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, सबसे अधिक होता है। इसके बाद अपन ने बात की थी कि ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव व गैस की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें विसरण की प्रवृत्ति सबसे कम होती है, यानी एक दूसरे में मिश्रित होने की जो प्रवृत्ति होती है, विसरण की प्रकृति, वो सबसे कम होती है। ठीक है, उसके साथ ही एक और चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि ठोस पदार्थों में संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का मतलब होता है प्रेस करना, दबाना। ठीक है, आप लोग जानते हैं जैसे ये ठोस पदार्थ है, इसको यदि मैं दबाने की कोशिश करूं तो ये बहुत कम दबेगा, दबेगा ही नहीं वैसे वास्तव में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसको प्रेस करना या इसको संपीड़ित करने की अपन बात करें तो वो प्रवृत्ति ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। और आप लोग जानते हैं गैस को अपन आसानी से दबा सकते हैं, इसलिए संपीड़ितता का गुण गैस में सबसे ज्यादा होता है, तो ठोसों के अंदर संपीड़ितता का गुण सबसे कम पाया जाता है। ये सारे अभिलक्षण अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, आशा करता हूं आपने वीडियो देखा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ और इसको आप लोग ध्यान से यहां पर सुनिएगा। टॉपिक है अपना नेक्स्ट और वो है ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। अब देखो, ठोसों के वर्गीकरण की अपन बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ठोसों को किस आधार पर बांटा गया है इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, ठोस पदार्थों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर, यानी कि ठोस पदार्थों के मध्य कौन कौन से उनके पास अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतरणविक आकर्षण बलों के आधार पर इन ठोस पदार्थों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है। और इन्हीं चार भागों को अपन यहां पर विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इन चीजों को देखिए। ठीक है, तो ठोसों के वर्गीकरण की बात करें तो ठोसों को उनके अवयवी ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतरणविक मध्य उपस्थित अंतरणविक मध्य उपस्थित अंतरणविक या अंतरायनिक या अंतर आयनिक बलों की प्रकृति के आधार पर अंतर आयनिक बलों की प्रकृति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत
किया चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। तो देखो भाई, ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल या फिर अंतर आयनिक बलों की प्रकृति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, और उन चार भागों में सबसे पहला होता है आणविक ठोस। कौन सा होता है? आणविक ठोस। दूसरा अपन यहां पर पढ़ेंगे आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा अपन यहां पर पढ़ेंगे धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और चौथा पढ़ेंगे अपन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो ये चार प्रकार के ठोस हैं, इन चारों के बारे में ही विस्तार से अपन यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक को अपन यहां पर बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन आणविक ठोस के बारे में। अब देखो, आणविक ठोस के बारे में बात को अपन शुरू करें तो देखो, आणविक ठोस सबसे पहले तो अपन यहां पर बात करें कि ठोसों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराण्विक या अंतर आयनिक बलों के प्रकृति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन चारों ठोसों के अंदर अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि उन अवयवी कणों के मध्य कौन कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए, आणविक ठोस जो होता है इसमें अवयवी कण जो होता है वो अणु होते हैं। ध्यान रखें, इनके नाम से ही पता चल रहा है इनमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है किससे मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखें, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, और अणु होते हैं, और ये जो अवयवी कण हैं इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अणु होते हैं जिनके मध्य, जिनके मध्य दुर्बल वांडरवाल बल, दुर्बल वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आणविक ठोसों में अवयवी कण तो कौन होते हैं? अणु होते हैं, और इन अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल बल या फिर हाइड्रोजन बंध यहां पर पाया जाता है। आगे बात करें तो ये जो आणविक ठोस होते हैं इनको भी आगे तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ध्यान रखें, इन्हें भी निम्न तीन श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब ये आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा होता है? ध्रुवीय, या फिर पहला अपन ले लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। उसके बाद दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा होता है
हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है भाई। तो ये आणविक ठोस भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये कुल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। ठोसों के वर्गीकरण टॉपिक को अपन ने स्टार्ट किया है। ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतरणिक या अंतर आयनिक आकर्षण बलों के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर चार भागों में बांटा है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में। तो इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक नाम है तो अवयवी कण कौन होगा? अणु होगा। और इन अणुओं के मध्य या तो पाया जाएगा दुर्बल वैन डेर वाल्स बल या पाया जाएगा हाइड्रोजन बंध। अब इन आणविक ठोसों को भी मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इनको एक एक करके अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने यहां तक की बातें बिल्कुल नोट कर ली होगी। अब एक एक करके इन तीनों को अपन यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए, ठीक है। तो देखो भाई, आणविक ठोसों की अपन बात कर रहे हैं और आणविक ठोसों के अंदर अपन बात करें तो आणविक ठोसों में पहला ठोस आता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अध्रुवीय आणविक ठोस, देखो अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो इसमें अवयवी कण अत्यंत दुर्बल वैन डेर वाल्स बल या परिक्षेपण बल या लंदन बल से जुड़े होते हैं। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि इनमें अवयवी कण, अच्छा अवयवी कण कौन होगा यहां पर? अणु। इनमें अवयवी कण अणु, इनमें अवयवी कण अणु अत्यंत दुर्बल वैन डेर वाल्स बल, अत्यंत दुर्बल वैन डेर वाल्स बल या इसको बोलते हैं परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल या इसको बोलते हैं लंदन बल, लंदन बल से जुड़े होते हैं, लंदन बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। लंदन बल से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इनके और गुण, तो सुनो ध्यान से। अब यहां पर बल अत्यंत दुर्बल है, बल क्या है? अत्यंत दुर्बल है, इसलिए थोड़ा बहुत तापमान आप लोग दोगे तो ही आसानी से ये बल टूट जाएगा और कण अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इनके गलनांक का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत तापमान देते ही आसानी से पिघल जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए इनके गलनांक, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक, एवं क्वथनांक बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं।
अच्छा एक और बात कि जब थोड़ा बहुत तापमान देने पर ही ये ठोस द्रव में बदल जाते हैं, तो इनके जो द्रव होंगे वो भी थोड़ा बहुत तापमान देने पर ही आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि ये जो होते हैं ना, ये ठोस वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? ये वाष्पशील होते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। होते हैं तथा ये अति वाष्पशील होते हैं। आसानी से इनकी वाष्प बन जाएगी कम तापमान देने पर ही। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अति वाष्पशील होते हैं, ठीक है। अति वाष्पशील ये होते हैं, इनकी वाष्प आसानी से बन जाती है। आगे बात करें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे यहां पर कोई ध्रुव नहीं है, अध्रुवीय की बात कर रहे हैं ना अपन। अध्रुवीय मतलब देखो, विद्युत का प्रवाह वहां हो सकता है जहां या तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या फिर वहां पर आयन उपस्थित हो। अब ये अध्रुवीय जो होते हैं, इनमें न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और न ही यहां पर आयन उपस्थित होंगे। तो इसीलिए अपन बात करेंगे कि ये जो आपके अध्रुवीय आण्विक ठोस होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। अच्छा आप एक बात सुनो, आप लोगों को पता है कि समान प्रकृति के पदार्थ समान प्रकृति के विलायक के अंदर ही घुलते हैं। यानी ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेंगे। अब बात करूं मैं कि ये पदार्थ जल के अंदर घुलेंगे अथवा नहीं, तो आपको पता है कि जल ध्रुवीय विलायक है। जल के अंदर H प्लस और OH माइनस दो ध्रुव बनते हैं, यानी जल ध्रुवीय विलायक है और ये कौन है? ध्रुवीय है। तो क्या ये जल में घुल सकता है? भाई नहीं घुलेगा। यानी कि ये जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय विलायकों में तो क्या होंगे? अविलेय होते हैं कि अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलेय हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, ठीक है भाई। आगे इनके बारे में बात करें तो देखो, ये निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि कम तापमान होगा तभी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, तापमान अधिक होगा तो ये ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है ना ये अति वाष्पशील होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि कमरे के तापमान पर सामान्यतः सामान्यतः द्रव अवस्था या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में
पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे निम्न ताप पर, निम्न ताप पर O2 N2 Cl2 CH4 CCl4 ठीक है, Cl2 CH4 CCl4, इसके अलावा बात करें आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन आदि ठोस अवस्था में, आदि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और कमरे के तापमान पर तो आप लोग जानते हैं सारी की सारी ये गैसें होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ध्यान रखें, अपवाद है, दो गैसें इस चीज का अपवाद होती है, और ये अपवाद आप लोग ध्यान रखें क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि एक ही अपवाद यहां पर है और वो है Io2। आयोडीन कमरे के तापमान पर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, Io2 कमरे के, आयोडीन जो होती है ना वो कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में विस्तार से सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को आणविक ठोस का पहला प्रकार अध्रुवीय आणविक ठोस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ होगा। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।